नमस्कार, मैं प्रियरंजन और आज के इस एपिसोड में हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का ट्रेंड इस समय देखेंगे, फ्लैट निगेटिव दिख रहा है, लेकिन अभी भी इस स्टॉक के ट्रेंड मुझे ऐसे लगते हैं कि अपर साइड पेंडिंग है। कुछ बड़ी न्यूज इस स्टॉक में ट्रेंड हुई, पहला कुछ एक्विजिशन को लेकर के और दूसरे इसके क्वार्टरली नंबर्स को लेकर के। सभी न्यूज और ट्रेंड को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें और इसके साथ ही आप चाहें तो हमारे मास्टर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां देखेंगे तो कुछ न्यूज इस समय इस स्टॉक में दिख रहा है। तो सबसे पहला न्यूज मैं आपको यहां दिखाऊं, देखेंगे कि टाटा मोटर्स टू पिक 26.8% स्टेक इन डिजिटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन फ्रॉम फ्रेट टाइगर फॉर 150 करोड़। एज पर द सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट साइन, टाटा मोटर कैन इन्वेस्ट अनदर 100 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर इन द कंपनी। ये एक बड़ी एक्विजिशन टाटा पावर के द्वारा करा गया है। किसका करा गया है? तो डिजिटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन का, जो कि फ्रेट टाइगर की कंपनी है। तो इस न्यूज को टाटा पावर ने भी दिया है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि 2 नवंबर को कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स डिक्लेयर करेगी। इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग अंडर रेगुलेशन 29 एंड 50 ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन। और यहाँ देखेंगे फाइनल रिजल्ट, यहाँ देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट एंड अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट विद लिमिटेड रिव्यू फॉर द सेकेंड क्वार्टर एंड हाफ ईयर September 30, 2023। हाफ ईयरली सेकेंड क्वार्टर जो 30 सितंबर के जो रिजल्ट होंगे वो 2 नवंबर को प्रकाशित होंगी। इसके साथ ही देखेंगे जो अग्रीमेंट कंपनी ने करा है इसको लेकर के भी मैं आपको दिखाऊं। तो यहां देखेंगे कि 26.79 150 करोड़ की एक्विजिशन हुई है, बाकी जो 100% के एक्विजिशन होंगे वो सीसीपी के द्वारा, जो सीसीपीएस होता है कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसमें कंपनी पैसा देगी और उसके बदले 100% ये सियोरिटी है कि कंपनी को इसके इक्विटी ही लेने पड़ेंगे। इसको भी चाहे तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ देखेंगे 150 करोड़ का जो वैल्यू है उसको भी आप चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावे जो कंपनी की जो टेक्निकल ट्रेंड है वो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी और अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ इसके डिलीवरी को देखेंगे तो 30 से लेकर के 40, 50, इवन 50% तक के, यहाँ देखेंगे तो 50% तक के भी डिलीवरी इस स्टॉक में देखने को मिला है। साथ ही स्टॉक के ट्रेंड को देखेंगे तो जैसा कि हमने कहा और बहुत सारे टारगेट आए हैं, जो लास्ट टाइम का जो ट्रेंड रहा था इस कंसोलिडेशन से पहले देखेंगे तो स्टॉक ने, सॉरी, इस कंसोलिडेशन से जो ट्रेंड दिया था इसके बाद 900 तक के इजिली ट्रेंड दिख रहे हैं। इस समय टेक्निकली देखेंगे तो क्या ट्रेंड रहा है, पहले यहाँ पे स्टॉक ने काफी टाइम स्पेंड करे इस जोन में और इस जोन का जो पहले रेजिस्टेंस था वो इस समय सपोर्ट बनेगा। यानी जब तक स्टॉक 644 के ऊपर है तब तक स्ट्रॉन्ग है। यहाँ देखेंगे जितने भी लोग इस स्टॉक को मिस करे हैं, जिन लोगों को फ्रेश बाइंग करनी है, नहीं है, इस जोन में एक डिमांड आएगा 632 से लेकर के 645 के बीच में। इसलिए हमने कहा कि 630 नीचे के ऊपर, नीचे एसएल लेंगे और यहां से प्रोबेबिलिटी है कि 700, 740 और 820 तक का टारगेट दिख सकता है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। आगे के कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स से लेंगे और जो व्यू है काफी स्ट्रांग है। ऑप्शन ट्रेडर थोड़ा बचेंगे क्योंकि उसमें प्राइस एक्शन चाहिए और थोड़ा आपको कौशल होना होता है। तो मेरे जो स्टॉक इक्विटी के व्यू है स्ट्रांग है, ऑप्शन ट्रेडर अगर आप एक्सपीरियंस है तो करे, वरना ऐसे स्टॉक्स में